अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कई बार ये प्रॉमिस किया कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आएंगे एंड नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS को हटा देंगे। वहीं जब पंजाब के इलेक्शंस हुए तो केजरीवाल ने भी सेम प्रॉमिस किया कि ओल्ड स्कीम वापस आएगी। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम 31 जनवरी तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। एंड उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी सेम प्रॉमिस किया, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। गवर्नमेंट ने NPS इंट्रोड्यूस करी थी 2004 में, सो 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं वो NPS में कवर होंगे एंड जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में चल रहे हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम में ही कवर्ड रहेंगे। तो अगर नेशनल पेंशन स्कीम सही में इतनी खराब स्कीम है तो फिर क्यों उसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अ प्राइम मिनिस्टर बैक देन अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले ये देखते हैं कि ओल्ड स्कीम में जो पेंशनर था यानी जिसे पेंशन मिलती है उसके लिए क्या फायदे थे। देखो ओल्ड स्कीम बहुत ही सिंपल है, जब इंसान रिटायर होता है उस टाइम पे जो उसकी बेसिक पे होती है उसका 50% यानी हाफ उसे एज पेंशन मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब इंसान सर्विस में होता है तो वो आइडिया लगा सकता है कि उसे आगे जाके कितनी पेंशन मिलने वाली है। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी पेंशन मिलने वाली है इसलिए इसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी बोला जाता है। और एक बढ़िया बात ये थी कि एवरी 6 मंथ्स इस पेंशन को रिवाइज किया जाता है टू कोप अप विद इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की चिंता भी खत्म हो गई और यहीं पे काफी लोग उसका मिसयूज भी करते थे। लेट्स से कि मुझे 10 ईयर्स की गवर्नमेंट सर्विस कंपल्सरी है टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन एंड एज है 50 ईयर्स और आज मेरी बेसिक पे है 80,000 पर मंथ। अब वैसे तो मैं रिटायर होता 60 के एज पे, बट मैं सोचता हूँ कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से रिटर्न आता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसका रेंट भी आ जाता है, तो क्यों ना मैं अभी रिटायर हो जाऊँ। 80,000 की बेसिक पे है आज यानी 40,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी आगे जाके और इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो जाएगा, तो लोग पहले ही रिटायर हो जाते थे। फॉर पेंशनर्स इट वॉज अ विन विन। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया था, बट अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से ये फंड्स अरेंज करती थी जहाँ से वो ये पेंशन्स देती थी। अब ध्यान से सुनना, जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनका टैक्स जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एंड फिर इसी फंड से रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उनकी पेंशन दी जाती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई अक्यूमुलेटेड फंड नहीं है स्पेसिफिकली फॉर पेइंग पेंशंस। ये जो पेंशन का खर्चा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होता जहाँ से पेंशन दी जा सके। जैसे जैसे टैक्स पेयर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही बेटर हो जाएगा पेंशन देने के लिए। तभी ओल्ड स्कीम को पे एज यू गो स्कीम भी बोला जाता है कि करंट जनरेशन अपने ओल्डर जनरेशन की पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा एंड फिर फ्यूचर जनरेशन करंट वालों के लिए करेगी। और यही आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फर्टिलिटी रेट इंडिया का कम है उसके रिप्लेसमेंट रेट से। इसका मतलब यह है कि जिस रेट से लोग रिटायर हो रहे हैं ना ही उस रेट से टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है और ना ही उस रेट से न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। हालात ये है कि स्टेट लेवल पे एवरी ईयर पेंशन का खर्चा तो 27% से इंक्रीज होता रहता है बट कॉरेस्पॉन्डिंगली टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 10% से इंक्रीज होता है। तो मतलब जो पुरानी स्कीम थी वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट्स पे बर्डन इतना है कि ऑन एन एवरेज 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू जाता है पेंशन में एंड टोटल एक्सपेंसेस 25% ज्यादा है रेवेन्यू से, विच पुट्स देम इन अ फिस्कल डेफिसिट। 1991 में पेंशन का एक्सपेंस था 3,000 करोड़ और 2021 में 20 ईयर्स लेटर 3,86,000 करोड़ रुपीज। इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप ओल्ड पेंशन स्कीम एंड इंट्रोड्यूस नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम लोग NPS बोलते हैं। NPS में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ 10% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी मंथ एंड ये फंड मैनेज होता है बाय नोटिफाइड फंड मैनेजर्स। देन जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो इस फंड में से विच कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ये पैसा एम्प्लॉय को मिलता है। अब ये जो पैसा मिला है इसका 60% तो वो जैसे चाहे यूज कर सकता है बट मिनिमम 40% हिस्सा उसे एक एन्युइटी प्लान में लगाना होता है एंड फाइनली उस एन्युइटी प्लान से उसे पेंशन मिलती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे डायरेक्टली पेंशन फंड से पेंशन नहीं मिलती है, वो जो 40% लगा के जो एन्युइटी प्लान लेगा वहां से उसे पेंशन मिल रही होती है एंड वो चाहे तो 40% से ज्यादा भी लगा सकता है बट मिनिमम 40%।
ये जो फंड मैनेजर्स हैं वो ये कंट्रीब्यूशन मार्केट में डेट एंड इक्विटी में लगाते हैं, क्योंकि पैसा मार्केट में लगता है एंड मार्केट का रिटर्न आप नहीं बता सकते कि आपको एंड में कितना मिलेगा एग्जैक्टली, इसीलिए इसे मार्केट बेस्ड प्लान भी बोला जाता है। एंड यहीं पे एक अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, बिकॉज ओल्ड स्कीम में तो आपको पता होता था कि रिटायरमेंट में आपको बेसिक का हाफ मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड इसी अनसर्टेनिटी को लेके एनपीएस के जो पेंशनर्स हैं वो परेशान हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में एनपीएस को हटा के ओल्ड पेंशन पे स्विच कर दिया जा चुका है। तो क्या सही में एनपीएस इतनी खराब है? इट इज टू अर्ली टू से। एनपीएस आई थी 2004 में, यानी 18 साल पहले, एंड इस स्कीम में वो लोग कवर होंगे जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन करी है सर्विस। तो यार अभी तक बहुत लोग रिटायर ही नहीं हुए हैं जो इस स्कीम में कवर्ड हैं। अभी रिटायर होने का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने 43 की एज पे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी थी। एंड ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने मिड 40s में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल ही नहीं है जो बता सके कि क्या एनपीएस सक्सेसफुल है या नहीं है। अब जिसकी ईयर्स ऑफ सर्विस ही कम है तो उसका पेंशन फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन भी नेचुरली कम होगा, एंड देन इनडायरेक्टली पेंशन कम बनेगी। इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड यही देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज ओल्ड पेंशन स्कीम को फ्रीबीज एंड गिव अवेज की राजनीति में लगा चुकी हैं। वोट्स के चक्कर में ऐसे प्रॉमिसेस करना जो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेंशन का बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स पे कितना भारी पड़ता है एंड वो फिस्कल डेफिसिट में चली जाती है, बट उसके क्या टेंशन, वो तो अगली वाली सरकार संभाल लेगी ना, उस पे ब्लेम डाल देंगे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट होगी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सही तरीका है? एनपीएस ही सही है या ओल्ड स्कीम बेटर थी या फिर कोई तीसरा तरीका होना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एज ऑलवेज मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।